हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे, जहां हम देते हैं पुराने सिक्के और नोट्स के बारे में सच्ची जानकारी। दोस्तों, आज हम आपको अपने इस वीडियो में 5 रुपीज के कॉइन के बारे में बताएंगे उसकी वैल्यू क्या होती है और कौन से कंडीशन में ज्यादा वैल्यू पे सेल होता है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, आपको स्क्रीन पे एक कॉइन दिखाई दे रहा होगा, ये 5 रुपीज का कॉइन है। इस कॉइन की अगर हम बात करते हैं तो इस कॉइन की जो मिंटेज हुई थी 1992 से लेकर 2004 तक हुई थी, और कॉइन का जो मेटल होता है कॉपर निकल होता है। अगर इस कॉइन की वेट की बात की जाए तो इसका जो वेट होता है अप्रॉक्स 9 ग्राम्स तक होता है, और कॉइन का साइज यानी जो कॉइन का डायमीटर होता है वो 23 mm तक होता है। दोस्तों, इस कॉइन को अगर आप देखेंगे तो इस कॉइन के ओवर्स साइड यानी कॉइन के फ्रंट साइड में आपको अशोका लायन कैपिटल, और कॉइन के रिवर्स साइड में आपको कॉइन की जो डिनोमिनेशन और मिंटिंग ईयर और मिंट मार्क मिलेगा आपको। दोस्तों, बहुत से लोग के हमारे पास क्वेरीज आए कि सर 5 रुपीज में कौन सा कॉइन ऐसा रेयर है। बहुत से लोगों ने ऐसे कॉइन्स की इमेजेस सेंड की, कहा कि सर ऐसे में हमारे पास ये कॉइन्स रखे हुए, इनकी वैल्यू कितनी होगी। दोस्तों, ये जो कॉइन्स हैं ये तो आपको मार्केट में बहुत आसानी से देखने को मिल जाते होंगे, और अगर आप मार्केट में देखेंगे तो आप सभी ने ये कॉइन्स देखे होंगे, और अभी भी आपको मार्केट में बहुत आसानी से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी में एक कॉइन ऐसा आया था ईयर 2004 का, हैदराबाद मिंट का, जो कि रेयर कॉइन था, और इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा मतलब कि जो नॉर्मल कॉइन्स होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों, अगर ईयर 2004 के हैदराबाद मिंट कॉइन की बात की जाए, उसके वैल्यू की, तो इसकी जो वैल्यू होती है 200 रुपये से लेकर 400 के बीच में होती है कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर कॉइन UNC कंडीशन में है तो उसकी वैल्यू 800 से 1000 तक भी मिल सकती है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में आपको 200 से 400 के बीच में आराम से कोई भी डीलर दे देगा। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास ऐसे कॉइन्स रहते हैं और वो बेच नहीं पाते, उनको सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता कि किस आदमी को बेचा जाए। तो दोस्तों, ऐसे कंडीशन में आप एग्जीबिशंस में जाके बेच सकते हैं। फेसबुक भी बहुत सारे ऐसे डीलर्स, जेन्युइन डीलर्स अवेलेबल हैं, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनको भी सेल कर सकते हैं। और अगर अपने कॉइन्स की जो जेन्युइन वैल्यू पता करनी है तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी gmail ID, Instagram ID मिल जाएगी। अपने कॉइन्स की बोथ साइड क्लियर इमेजेस हमें सेंड करिए, हम आपको जरूर कॉन्टैक्ट करेंगे। उस कॉइन की जो जेन्युइन वैल्यू चल रही होगी मार्केट के अकॉर्डिंग, वो उसकी वैल्यू बताएंगे आपको। हमारे पास बहुत सारी इमेजेस आती हैं, बहुत से लोगों की शिकायत भी रहती है कि सर आप रिप्लाई नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, हमारे पास 100 से 150 मेल्स आते रहते हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं। कमेंट्स का बहुत ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन मेल्स और इंस्टाग्राम पे जितने मैसेज आते हैं उनका रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं हम। और दोस्तों, बात करते हैं अगर आपके पास कोई और पुराने सिक्के हैं तो आप उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, और बहुत से लोग हमसे जो जुड़े हैं इस समय, वो कलेक्टर्स भी हैं, कॉइन्स का कलेक्शन करने का शौक भी रखते हैं। तो अगर उनके पास अपने कलेक्शन में कोई कॉइन्स या नोट्स नहीं है तो आप उसके लिए भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या कॉइन नोट्स से रिलेटेड कोई एसेसरीज चाहिए आपको, कॉइन होल्डर्स चाहिए, नोट्स स्लीव्स चाहिए या बुक्स चाहिए, तो आप उसके लिए भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आप बात करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करते हैं। आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियोज़ बनाने का मन करता है। और शेयर करें हमारी वीडियोज़ अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उनको भी कॉइन्स और नोट्स के बारे में सच्ची जानकारी पता चल सके। और दोस्तों, सब्सक्राइब कर दें हमारे इस चैनल को, दबा दें बेल बटन, जिससे कि हमारे वीडियोज़ आने वाले सबसे पहले देख सकें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।